सो हे गाइज, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में, लास्ट वीडियो में जो है हमने इंसर्ट फायर इनटू फायरबेस के इस फंक्शन को जो है कंप्लीट किया था। सो प्रीवियस कुछ वीडियो से जो है हम बेसिकली फायरबेस को जो है नोट जेएस के साथ कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें जो है हमने देखा था। एज्यूम कि आपके साइड भी जो है यहाँ तक के कोड जो है कंप्लीट हो चुका होगा। सो अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और बिफोर मैं डिलीट फाइल के फंक्शन को जो है कंप्लीट करूँ, उनसे पहले जो है जो हमारा इंसर्ट फाइल इन फायरबेस है इसके लॉजिक को जो है अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि बेसिकली जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है या जो भी कोड हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। सो इस चीज़ों को जो है हम करते हैं। तो अभी ये इंसर्ट जो है हम यहाँ पे फाइल नहीं, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल और अवतार को अपलोड कराने के लिए जो यूज करने वाले हैं, राइट। सो एक तो आप जो है अवतार के केस में इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, एक एडिट अगर थंबनेल करने जा रहा है, अगर आपको याद हो एडिट पोस्ट के एपीआई में आप ये काम कर सकते हो, और आफ्टर डैट एक और जगह जो है आप ये काम करोगे विच इज अ पोस्ट क्रिएशन। सो यहाँ पे मैं पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आऊँगा। ये मेरा जो क्रिएट पोस्ट का जो मेथड है इसके अंदर अभी तक हमने क्या किया है कि जो हमारा लोकली फोल्डर है अपलोड करके यहाँ पर जो है हम ये चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, राइट। सो अभी ये काम जो है हम क्या करेंगे फायरबेस पे करेंगे, फायरबेस का जो स्टोरेज हमने अभी तक यूज किया है फंक्शन लिखा है तो वहाँ पे इन चीज़ों को जो अपलोड करेंगे। और जो हमारा इंसर्ट फाइल का जो फंक्शन है इसमें हम तीन चीज़ें पास कर रहे हैं, वन इज द फाइल नेम, वन इज द बफर और अनदर वन इज द मेटा डेटा। सो अभी इसको जो है यूज करके देखते हैं। सो फिलहाल जो ये कोड है इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि अभी मैं लोकली कुछ भी यहाँ पे रखने वाला नहीं हूँ। जो भी थंबनेल वगैरह जो भी है वो हम जो है फायरबेस के स्टोरेज सिस्टम को यहाँ पे यूज करने वाले, राइट। सो हमारे पास जो है न्यू फाइल नेम है, फाइल नेम है और स्प्लिटेड फाइल नेम, ये हमने कैसे यूज किया है एज्यूम कि आपको पहले से पता होगा। सो ऑलमोस्ट हमारे पास हर एक चीज़ है, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो फाइल नेम है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाला है, ये जो हमारा न्यू फाइल नेम है बेसिकली वो हो जाएगा हमारे लिए। देन बफर की अगर मैं बात करूँ तो बफर जो है हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल जहाँ से हम जो है कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है थंबनेल को हम कंसोल ये कर रहे हैं, राइट। थंबनेल को जो यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इस थंबनेल के पास जो है डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, सो वहाँ पे आपको वो बफर मिल जाएगा। सो ठीक है, बफर भी जो है मुझे मिल गया और अनदर वन चीज़ जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मेटा डेटा। सो अभी ये मेटा डेटा भी जो है मुझे चाहिए। सो ये मेटा डेटा भी जो है आपको इस थंबनेल के अंदर जो मिल जाएगा। सो कंसोल करा के आप देख लेना कि आपको मेटा डेटा और देन जो भी डेटा या बफर जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें जो है आपको इस थंबनेल के अंदर मिल जाएगा। और ये थंबनेल हम कहाँ से डी स्ट्रक्चर करा रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मेटा डेटा सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल का नाम, लेट्स अज्यूम कॉन्स मेटा डेटा जो इस वेरिएबल का नाम है। और इसमें हमें जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट टाइप जो है हमें पास करना होता है कि आपका जो कंटेंट है उसका टाइप क्या है। सो कंटेंट टी वाई पी कंटेंट टाइप, और ये हमें मिलेगा कहाँ से, सो जो थंबनेल अभी आपने एक्सपोर्ट किया है यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट फाइल यहाँ से, तो इसके पास जो है एक मीमी टाइप करके जो एक प्रॉपर्टी आएगा। आप कंसोल करा के देखना इस चीज़ों को, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो वो जो हमें पास करना होता है। सो मेटा डेटा भी आ गया, फाइल का नाम भी आ गया और जो हमारा बफर है जो कि डेटा है वो भी अब आ चुका है। सो अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हम जो इंसर्ट जो भी हमारा इंसर्ट फंक्शन है जो कि हमने इंसर्ट फाइल के अंदर जो लिखा है, सो इसको कॉल करेंगे, इसको तीनों चीज़ों तीन इन्फॉर्मेशन देंगे। ये क्या करेगा, हमें डाउनलोड यूआरएल जो है ला के रिटर्न करने वाला, ठीक है। और कोई अगर एरर आता है अपलोड करने में तो वो एरर जो है हमें देने वाला, राइट। सो मैं क्या करता हूँ डाउनलोड यूआरएल देगा, इन द सेंस जो भी इमेज हमारे फायरबेस के अंदर स्टोर होने वाला उसका एक यूआरएल मिलेगा हमें। सो उसको सबसे पहले किसी वेरिएबल के अंदर जो स्टोर कराता हूँ, लेट्स अज्यूम थंबनेल यूआरएल करके जो ये वेरिएबल है। और जो हमारा इंसर्ट का वो मेथड है वो असिंक यूज कर रहा है, प्रॉमिस बेस है, तो यहाँ पे अवेट यूज करूँगा और उस मेथड को जो है यहाँ पे मैं कॉल करने वाला हूँ। तो इंसर्ट फाइल इनटू फायरबेस ये ऑटोमेटिक जो है टॉप के ऊपर जो है ये यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, वीएस कोड मेरे में जो है ऑटोमेटिक इंसर्ट कर रहा है। सो ये मेथड आ गया, इसको हमें तीन चीज़ें पास करना है, वन इज द फाइल नेम, सबसे पहला जो मेरा फाइल नेम है। सो फाइल नेम हमेशा यूनिक होगा और वो यूनिक जो है हम यहाँ से कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं उस फाइल नेम को जो है पास करने वाला हूँ। सो न्यू फाइल नेम मेरा होगा, सेकेंड वन आपको अगर पता हो तो बफर। अब ये बफर हमें कहाँ से मिलेगा, सो रिक्वेस्ट डॉट जो अभी आपने फाइल्स किया है, सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट थंबनेल, या थंबनेल ऑलरेडी आपने डी स्ट्रक्चर कर रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो थंबनेल डॉट डेटा, थंबनेल के पास जो है डेटा होता है तो वो डेटा जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे भेज सकते हो। और थर्ड वन जो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ विच इज अ
मेटा डेटा। सो मेटा डेटा को जस्ट हमने अभी ऊपर इनिशियलाइज किया, तो वो हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। सो क्या होगा कि ये जो थंबनेल यूआरएल है इसके अंदर जो है यूआरएल आ जाएगा, और एक सिंपल सा जो है यहाँ पे चेक मैं यूज कर लेता हूँ। इफ़ मान के चलो कोई इशू हुआ और थंबनेल यूआरएल जो है मुझे नहीं मिला, तो मैं एरर थ्रो करूँगा, क्योंकि अगर थंबनेल का यूआरएल नहीं है तो पोस्ट अभी तक सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक छोटा सा जो है एरर को हैंडल करते हैं, और एरर क्या मैं पास करूँगा, पोस्ट कुड नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, सो ऐसा एरर यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ कि अगर थंबनेल के अंदर थंबनेल यूआरएल जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर अगर यूआरएल नहीं मिला तो वो चीज़ें जो है मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये एरर समझ में आया होगा कि क्यों हम जो है कर रहे हैं। और अगर थंबनेल सक्सेसफुली आ रहा है, डेट मीन्स थंबनेल जो है फायरबेस के अंदर सक्सेसफुली स्टोर हुआ है और उसका हमें यूआरएल मिल गया। तो अभी नेक्स्ट काम जो है हमें यहाँ पे क्या करना था, अगर आपको याद हो तो हम अपनी यूआरएल को जो है यहाँ पे पास करने वाले, और आफ्टर डेट जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसको भेजने वाले। तो सेम चीज़ें सेम कोड होगा, जस्ट इस समय जो है मैं उस कोड को जो है अनकमेंट करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो नथिंग फैंसी, जो हमने फाइल अपलोड के बाद जो किया था उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट वो फाइल जो था इससे पहले वो हमारा लोकली स्टोर हो रहा था, इस समय जो है हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे। और यहाँ पे अब जो है थंबनेल के अंदर मैं अपने फाइल का नाम स्टोर नहीं कराऊंगा, इससे पहले जो है हम नाम स्टोर कराते थे कि हमारे अपलोड वाले फोल्डर के अंदर कहाँ पे है। अब हमारे पास यूआरएल है तो डायरेक्ट जो मैं इस यूआरएल को जो है इस न्यू फाइल की जगह जो है यूज कर सकता हूँ। सो ये चीज़ें, और आफ्टर डैट आई थिंक हर एक चीज़ जो है मेरा सेम होने वाला है। ये जो चीज़ें हैं वो अगर क्रिएट होता है तो उसके काउंट को जो है एक से इंक्रीज करके जो है अपडेट करेगा, और आफ्टर डेट न्यू पोस्ट को जो है हम रिटर्न करें। तो नथिंग फैंसी, सो सेम चीज़ें जो है हमने किया, जस्ट अपने लोकली फोल्डर को जो है फायरबेस के अंदर जो है अपलोड किया, और नथिंग फैंसी। सो चलते हैं पोस्टमैन पे और इनको जो है एक बार चेक करते हैं। तो क्रिएट पोस्ट ऐड पोस्ट का जो हमारा ये मेथड है इसको आप यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा। सो लॉग इन वाले एपीआई पे आते हैं यहाँ पे जो है। ओके, सो अभी हमारा सर्वर भी स्टार्ट नहीं है। सो सबसे पहले हमें जो है सर्वर को स्टार्ट करना होगा। सो इसके लिए नोड ऐप डॉट जे एस जो है सॉरी क्लियर करता हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस है मेरे केस में, तो इन नोड इंडेक्स डॉट जे एस से जो है ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आई ज्यूम कि डी बी भी कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया। सो अभी चलेंगे अपने पोस्टमैन पे और सबसे पहले लॉग इन करते हैं। सो लॉग इन होने के बाद जो है मुझे टोकन मिल जाएगा, इस टोकन को जो है मुझे क्या करना होगा, पास करना होगा ऑथराइजेशन टोकन के रूप में। सो ऐड पोस्ट पे आते हैं और ये हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसको पेस्ट करते हैं और हेडर के अंदर, नॉट हेडर, बॉडी के अंदर थंबनेल वगैरह जो है मतलब टाइटल वगैरह जो है चेंज कर लेता हूँ मैं। बिजनेस जो भी है वो आप देख लेना, ये सब चीज़ें सेम रखता हूँ। अभी मेरा मेन फोकस है कि ये जो फाइल है बेसिकली वो हमारे डीबी के अंदर जो हमारा फायरबेस है वहाँ पे जो है अपलोड होना चाहिए और उसका यूआरएल जो है डीबी के अंदर स्टोर होना चाहिए। सो यहाँ पे एक मैं फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, एक कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम सेम इमेज है, इसको स्टोर करता हूँ और यहाँ से इसको सेंड करता हूँ। सो अगर सक्सेसफुली होता है तो ये जो है देखो यहाँ पे आ जाएगा और थंबनेल का जो है मुझे यहाँ पे यूआरएल मिलेगा, जो फायरबेस यूआरएल बना के देता है वो यूआरएल जो है मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को और आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। इंटर करके अगर चेक करोगे तो आपको सेम इमेज मिलेगा जो कि आपने अपलोड किया। तो ये टेंशन जो है अब मेरे लिए फ्री हो गया है कि मैं इसको जो है डायरेक्ट फ्रंट एंड पे यूज कर सकता हूँ इस यूआरएल को। ये चीज़ें जो है हमें बेनिफिट हुआ होगा। और फायरबेस पे आते हैं, यहाँ पे फायरबेस सर्च करना, सिंपली इसके कंसोल पे चलेंगे। सो गो टू कंसोल, यहाँ पे दिखेगा लॉगिन जो भी आईडी से आपने किया था वो करके, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया होगा अपने अकाउंट पे तो वो दिख जाएगा। ब्लॉग प्रोजेक्ट था मेरा लास्ट वीडियो में, सो सेम रखते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है आप जो भी इसके फीचर्स को यूज कर रहे हैं वो दिख जाएगा। सो स्टोरेज में यूज कर रहा था तो स्टोरेज पे आएंगे और अभी फिलहाल एक फाइल जो है अपलोड होना चाहिए। सो जो कि ये फाइल है, सो यहाँ पे आप चेक करोगे सेम फाइल, इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो, साइज वगैरह टाइप जो है वो कब क्रिएट हुआ, अपडेट क्या हुआ, फाइल का लोकेशन वगैरह हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है फिलहाल हमने क्या किया कि नोड जेएस के थ्रू जो है यहाँ पे हमने फाइल को अपलोड करा के उसका जो भी यूआरएल है वो यूआरएल हमें मिला और उस यूआरएल को जो है हम अपने मोंगो डीबी के अंदर जो है इंसर्ट करा रहे। तो ये काम जो है मेरे लिए थोड़ा सा सही हो गया। सेम चीज़ें जो है आपको कहाँ पे यूज करना है, ये इंसर्ट का काम जो है अभी दो जगह और आपको करना है। अगर आप चेक करोगे तो जब हम फाइल को सॉरी अवतार अपडेट करें तो इन केसेस में भी जो है हमें सेम काम करना है।
तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको जो है आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। सेम चीज़ है, कॉपी पेस्ट का काम है, तो आप इसको खुद से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कोड दिखा दूंगा कि कैसे करना है। और वन मोर थिंग कि अगर पोस्ट कंट्रोलर में ही आओगे तो एडिट पोस्ट करके मेरे पास एक मेथड है यहाँ पे। सो ये एडिट पोस्ट के लिए था, तो यहाँ पे भी जो है हमें सेम चीज़ें करना है जो हमारा फाइल अपलोड का सीन था, यहाँ पे भी सेम चीज़ें, बट ये सब आप जो है खुद से करना। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि हम डिलीट भी कर रहे हैं पुराने फाइल को, सो पोस्ट ये सॉरी फायरबेस पे मैं नहीं चाहूँगा कि अनवांटेड फाइल जो है स्टोर हो, सो उसको भी जो है डिलीट करना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा डिलीट का सेक्शन है जहाँ से जो हम फायरबेस से कोई इमेज को जो है डिलीट करना चाहेंगे, सो उसको डिलीट करेंगे। और साथ के साथ जो भी डिलीट के बेसिस पे जो हमारा फोल्डर चेंज होने वाला है उसका कोड मैं बता दूंगा। क्रिएट का जो है ऑलमोस्ट सेम है, सो आप उसको कॉपी पेस्ट करके जो है चेंज कर सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जस्ट कोड मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, बट आपको कोड दिखा दूंगा और आप गिट वगैरह से जो उसको फाइंड कर सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो हम डिलीट फंक्शनलिटी पे काम करेंगे, और आई थिंक वो हमारा लास्ट वीडियो होगा बैकएंड के पर्सपेक्टिव से। सो वहाँ पे जो है हम अपनी API को ऑलमोस्ट ख़त्म करके देन हम फ्रंट एंड की तरफ जो है मूव करेंगे, और वहाँ पे UI वगैरह पे जो है और API कॉलिंग पे जो है हम काम करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।